नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं का स्वागत है। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर और गमरिया क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा लगातार सरकारी और वन भूमि पर अवैध डेरा जमाते हुए धड़ल्ले से खरीद बिक्री की जा रही है, जिसे रोकने में संबंधित विभाग विफल नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला आदित्यपुर थाना पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 2 मंगलम सिटी के पीछे स्थानीय लोगों ने वर्षों से वन विभाग की जमीन को क्षेत्र में सक्रिय भूमाफियाओं से बचाते हुए मंदिर निर्माण के लिए चिन्हित कर रखा था, जहां कुछ दिनों पूर्व मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने का भूमाफियाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में एक महिला को सामने लाकर भूमाफियाओं द्वारा दावा किया गया कि उक्त जमीन उस महिला की है। इधर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग की है। कि वार्ड नंबर 2 मंगलम सिटी के पीछे में एक वन विभाग की जमीन थी, जिसको बस्ती वासियों ने भू माफियाओं से बचा के एक मंदिर का वहाँ निर्माण कार्य 2011 से शुरू किया था। बस्ती का जगह खाली थी, तो उसमें बाउंड्री वॉल करके उसमें मंदिर निर्माण पूजा पाठ शुरू हुआ। उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अभी अचानक सा एक महिला के द्वारा आके उस जमीन पर अपना बताकर मंदिर निर्माण का कार्य को बार बार रोक दिया जा रहा। मंदिर निर्माण में रखी हुई सामग्री को बार बार फेंक के ईटा को नुकसान किया जा रहा, सब सामग्री को फेंक दिया जा रहा। तो इसी विषय पर हम लोग आज थाना में थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत करने के लिए आए हैं कि भू माफियाओं से मंदिर निर्माण कार्य को जो बार बार रोका जा रहा, उस पर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाधित होंगे। थाना प्रभारी